उस परिवार की अगर मैं बात करूं तो उस परिवार का जो पूर्वधार है उनका नाम गाने से दिलों में छावड़ा जाता है। उनके परिवार का एक अगला सदस्य मैं हूं, जिस परिवार के पूर्वजों में नाम आता है राजा राम सहारा जी का, जो हमारे बीच इकट्ठे हैं आ जाएंगे आप लोगों के सामने, जिन्होंने मुझे सींचने का काम किया उनका नाम है माननीय श्री एडवोकेट है वो उदयवीर सिंह साहब, जिन्होंने मुझे सिस्टम में लाया आप सब उनको जानते हो श्री नीलेश कुमार दुबे जी, इन सबका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। और सबसे बड़ा जो सौभाग्य की बात है वो ये है कि आज मैं आप लोगों के सामने यहां था। कुछ दिनों पहले, दो साल पहले यहां कुंभ का लगा हुआ इलाहाबाद में, मैं भी उसमें था इस दिन। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा यार गंगा जमुना वो दिखाई देते सरस्वती का समझ में नहीं आता, आज अगर वो व्यक्ति यहां होता तो उसे पता चल जाता कि गंगा जमुना वहां है सरस्वती इस मंच पे। वो आपको आध्यात्मिक तौर से सुदृढ़ बनाती है, वो आपको आपके अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व पैदा करती है तरंगों के माध्यम से। लेकिन आपके जीवन में खुशियां आप तो चाहते हो, जो लाने वाली बात भी, जो भी आपके सपने हैं जो फुलफिल करेगा, आज वो सरस्वती इस मंच में राजा राम सहारा जी के रूप में आप लोगों के सामने उपस्थित है। तो प्रयास की यह धरती है, कुछ चीजें मुझे याद आ रही है कि वाटिका में भांति भांति के अनेक अनेक पुष्प खिल खिल जाते हैं इस गर्व और गुमान में, वाटिका में भांति भांति के अनेक अनेक पुष्प खिल खिल जाते हैं इस गर्व और गुमान में, कुछ कुछ देवता के शीश में बिरा जाते हैं कुछ सूख जाते खिलते ही दिया बाद में, पांच पंखुड़ी के देह का भविष्य कौन कहे भूल मिल जाना इस विधि के विहार में, किंतु वंदनीय पुष्प अगले आप लोगों के लिए है कि किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। आप सब लोगों पुष्प हो सुगंध हो जिनके अंदर प्रत्यक्ष देखता हूं, आज गरीबी हटाओ बेरोजगारी भगाओ तमाम तरह की परेशानियां हमारे हिंदुस्तान में है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि बेरोजगारी की है। आप लोग अगर सोच लो जो मेरे सामने बैठे हैं, अगर ये थोड़ा सा सोच लेंगे सोचने मात्र से हिंदुस्तान फिर से विश्वगुरु बन जाएगा, ये मेरा मानना है। आप थोड़ी सी काम कर दो, थोड़ी सी आप काम करोगे तो हिंदुस्तान से गरीबी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये सारी चीज खत्म हो जाएगी। ये अगर हो सकता है तो केवल और केवल आज से बिजनेस के माध्यम से ही हो सकता है। हमारे देश में जब हम लोग जयपुर में हुआ करते थे तो हमारे बहुत ही इलाहाबाद की बहुत ही जबरदस्त लीडर है जिनका नाम मैं चाहता हूँ उनका नाम आते हैं जोरदार ताली आप लोगों श्री एस सी दुबे जी। वो है वो मुझसे गेट में बाहर गए उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला। कुछ दिनों पहले अगर हम चले तो एक समय हुआ करता था ये हॉल पूरी तरीके से भर जाता था, ये पूरी तरीके से हाथ फचाफट भरा हुआ होता था, कुछ लोग बाहर होते थे कुछ लोग खड़े होते थे कुछ लोग नीचे सीने पे बैठा रहते थे। बहुत सारी परिस्थितियां आई, बहुत सारी परिस्थितियों के बाद आज वो लोग मेरे सामने खड़े हैं जो भविष्य में आगे चलते कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास ऑलरेडी वो सारी चीजें हैं। सर बैठे गए सर आगे पर जोरदार ताली से स्वागत करिए इसी दिल्ली भर के जाना। आप लोगों के एक सेमिनार में इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी भीड़ हुआ करेगी और ये होना है। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात की चीज है, पहले ये तय होगी घर को बचाए कैसे, लाख तलवारें झुकी आती हूं गर्दन की तरफ जो सर झुकाने नहीं आता तो झुकाए कैसे। आप सब लोग बैठे हो, आप सब लोगों के अंदर वो ऊर्जा है लेकिन बाहर टेम्परेचर 42 डिग्री का है वो सूर्य की वजह से है और अंदर का टेम्परेचर उससे जस्ट डबल होना चाहिए उत्साह का जो कि मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। पानी की व्यवस्था वहां है, ये तो जरूरी 50 रुपए लगा के है, तुम मजा करो भाई ताली बजाओ हंसो, यहां मैं कुछ बताने नहीं आया आपसे बात करने आया हूं और ये मौका ये अवसर मुझे बात करने का।